फोटो भी अम्मा करिए भूत जैसे हुए हैं बिल्ली और हमारे फोटो वगैरह खींचे हुए हैं। घास काट रहे हैं जैसे ऐसे काटते हैं हमारे जो वृद्ध महिलाएँ भी इतनी मेहनत करती है ना, घास वास खेती और गाय भैंसों को देखना पूरा जिम्मेदारी होती है लोगों की बहुत। ये हमने 2004 से मत्स्य पालन का शुरू किया है और इसमें अच्छा फ़ायदा है। ये धनिया भी बहुत बढ़िया हो रहा है। हेलो हाय पहला प्रणाम, कैसे हैं सब लोग? सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी मस्त हैं। चलिए आज एक ऐसे व्यक्ति के पास आपको ले जाएंगे जिन्होंने पहाड़ में विषम परिस्थितियों के बावजूद जो है पहाड़ में मत्स्य पालन और पशुपालन, मुर्गी पालन और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी 4-5 गायें रखी हैं और ये तमाम जो है ना खेती से संबंधित और कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित विशेष बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। चलिए उसकी जानकारी देंगे आपको। ये मत्स्य पालन देखिए बहुत बड़ा एरिया में मत्स्य पालन इन्होंने किया हुआ है और आगे गाय पालन का हमने आपको दिखाया और कुक्कड़ पालन वहाँ पर है। और अभी आपको जो भरला जी हैं उनसे भी बात कराएंगे, किसान हैं, काश्तकार हैं, जिन्होंने लगातार पहाड़ में मेहनत करी और एक संदेश दिया कि लोगों को कि पहाड़ में भी बहुत कुछ हो सकता है, तो जो करके दिखाया। और ये गाय पालन का काम उन्होंने किया है बहुत सुंदर ढंग। भरला जी से पूछते हैं कब से काम शुरू किया और क्या क्या काम में प्रोग्रेस है नहीं है। ये हमने 2004 से मत्स्य पालन का शुरू किया है और इसमें अच्छा फ़ायदा है। हम इसमें पंगास है जो सिंगल कांटे की मछली होती है और ग्रास कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और कॉमन कॉर्प, ये फिर रेगुलर रहता है। ये खाली नवंबर तक होता है, ये ठंड पर मर जाते हैं पंगास, और कॉमन वाले मार्च में निकालते हैं होली के टाइम पर। इस समय हमारा 10 कुंटल करीबन बेच दिया हमने, तो 30 रुपया किलो के हिसाब से बेचते हैं हम, और अभी 2-3 कुंटल और निकलेगा। तो बीज कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? तो ये मत्स्य विभाग देता है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ना कोई दिक्कत, मत्स्य विभाग पूरा सहयोग करता है, पूरा सहयोग करता है। दाना भी 50% छूट पर देता है। अच्छा, 50% छूट, और बच्चे फ्री देते हैं। बच्चे फ्री देते हैं, चलिए बढ़िया। और गाय भी रखे हैं आपने? गाय हमारे पास देसी नस्ल की हैं। हाँ देसी है, और 5 गाय हैं, 6 बच्चियाँ हैं। अच्छा, क्या है दूध का? क्या है? और 25 लीटर दूध डेयरी को जाता है। अच्छा, 25 लीटर, मतलब दूध ठीक देती है? हाँ हाँ ठीक देती है, अभी ब्याने वाली है। अच्छा, कैसा लगा आपको मतलब कृषि और ये पशुपालन? हमारा ये है 1 लाख रुपया पर मंथ हम लोग कमाते हैं। अच्छा, एवरेज 1 लाख रुपया? एवरेज 1 लाख, बढ़िया है। और कीवी का भी है हमारा। अच्छा, कीवी से भी आने लगे? हाँ, उससे भी आने लगे। और क्या? और सब्जी का भी बहुत होता है। सब्जी का तो आप बताइए। हाँ, सब्जी का बहुत। सब्जी कितने निकालते होंगे सीजन में लगभग? हमारा साल भर में 5 लाख के करीब की। 5 लाख सब्जी का? सब्जी का पूरा सभी लोग लगे रहते हैं, परिवार वाले सभी? पूरे, हर एक का अपने अपने ड्यूटी है। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में लगभग? 2 लड़के हैं, 2 बहुएँ होंगी। अच्छा, सभी लगे और मिसेज होंगी। हाँ, 2 लड़के। बकरी का भी है हमारा। अच्छा, बकरी 70 बकरियाँ भी है। अच्छा, उसका फार्म उधर है। अच्छा, उधर है, वो रोड के नीचे। अच्छा, बकरी का अलग बेनिफिट होगा, बकरी भी रखी है। हाँ हाँ, वो अभी बेनिफिट में नहीं आया। अच्छा अच्छा, अभी रनिंग में? रनिंग में। और ठीक, मतलब मेहनत काफ़ी है, मतलब मेहनत टाइम कटता है। टाइम ठीक है, मेहनत तो हर किसी में है। मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, उससे रिटायर हुआ। अच्छा, चलिए। मैं नैनीताल में था, कुमाऊँ मंडल भी जाएंगे। अच्छा, चलिए बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर गाय देखिए और 4-5 गाय रखी हैं और रिटायरमेंट हैं जैसे बताया उन्होंने, और यहाँ पर कुछ गाय गाने वाली भी हैं। चले जाऊँ, कोई लात तो नहीं मारा ना? और ये गाय के बछड़े भी हैं देखिए, ये अरे डर रहा है मेरे को देख के। चलो अच्छा, यहाँ के चल लो मोह सानना था आज। अच्छा, मोह सरा है अर्जा। चलिए चलिए, हाँ ओली हाउस में ले चलते हैं फिर। हैं ये खाद है, जैविक खाद, हाँ जी, और ये घास के लूटे लगा रखे हैं, ऐसे लगते हैं हमारे कुमाऊं में घास के लूटे। और ये बहुत जगह देखा ना मैंने, उधर वो सब उसमें लगाते हैं पेड़ में। यहाँ से शुरू करेंगे, सब पेड़ में आधे से ऊपर को शुरू करेंगे। हाँ हाँ, चलिए ले चलते पॉली हाउस में। हाँ, बाहर ये शिमला मिर्ची से शिमला मिर्ची निकाल दी है। अच्छा, पूरा यहाँ भी शिमला मिर्ची था, पूरा पॉली हाउस। बहुत बड़ा, कितने बाय कितने का है? बहुत बड़ा है, 200 वर्ग मीटर। अभी ये प्याज का बिना रखा है। अच्छा, प्याज की है। अच्छा, प्याज की नर्सरी है ये पूरी। प्याज की नर्सरी रखी है पूरी। अच्छा, ब्रोकली है, धनिया है, ये मेथी है, ये पालक है, इधर वो ब्रोकली है, हरी वाली गोभी। हाँ, ये सब पालक गोभी। अच्छा, जो हाँ अभी ये खाली हुआ, कुछ ही दिन पहले खाली हुआ है। शिमला मिर्ची थी इसमें, और उसके बाद 200 वर्ग मीटर में है ने। देखिए, बहुत ही गजब का इन्होंने। ये हरी कलर में जो गोभी मिलती है ना आप, ये वो गोभी है, रोकरी के नाम से है। ये है, ये काफ़ी कितना होता है? काफ़ी मात्रा में होता है ये, वैसे अच्छा होता। ये धनिया भी बहुत बढ़िया हो रहा है। चलिए, जानवरों के चारे के लिए बर्तन बोलते हैं। ये जाड़ों में, जाड़ों पर मई तक चलता है ये घास। इससे दूध भी बढ़ता है, हरे चारे की पूर्ति भी होती है। तो 2004 से शुरू हो गया था हमारा। 2004 से शुरू करते हैं। 2004 से आप ये शुरू कर रहे हैं। कितने लोग हैं सर जो आपका पूरा फैमिली बिजनेस ही हो गए? हाँ, कितने लोग आप परिवार में हैं? आपको ये दो हैं भी, 2 लड़के होगी और मिसेज होगी। पूरा परिवार, पूरा परिवार। आप मुखिया हो गए। पूरा नाम केसर सिंह भराड़ा का आप। आप आर्मी से रिटायरमेंट ना, कुमाऊं मंडल विकास निगम। पहले आप ये भराड़ा जी के जो, जहाँ पर इन्होंने कृषि कार्य और गाय मत्स्य और मुर्गी पालन किया है ना, बकरी पालन भी इनका बहुत बड़ा वहाँ पर एक आगे है। वहाँ पर बकरी पालन आगे किया है इन्होंने, इनका आगे है वो रोड के नीचे आगे वहाँ। और ये है गोमती नदी, जो गरुड़ गंगा और गोमती मिलके फिर गोमती बन के ये आती है तहसील से। ये गोमती है, और ये गोमती के किनारे पर ही इनका काम है। बहुत ही सुंदर इन्होंने उम्दा कार्य किया है, और ये प्रेरणा के स्रोत हैं तमाम पहाड़ के युवा और तमाम पहाड़ के जो लोग जो कहते हैं कि भाई पहाड़ में नहीं है रोज़गार करने वालों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर मन में अगर नेक इरादे, अगर हौसले बुलंद हो तो बहुत कुछ हो सकता है पहाड़ में, और हो रहा है ना सर? ये हमारे गायों के लिए खास, जो गाय भैंसों के लिए बाद में काम में आती है ना, जब घास नहीं होती है पहाड़ों में, तो ये घास पूरा चारे के रूप में गाय भैंसों के लिए काम आती है। ये जैसे लूट, इस तरीके से हमारे कुमाऊं में लूटे होते हैं। पालक लूट तो यहाँ पर जो काश्तकार भराड़ा जी है ना, ये अपने पॉली हाउस में लगे हुए हैं। कुछ टमाटर देख रहे हैं, टमाटर निकाल रहे हैं, कुछ टमाटर पके हुए हैं। तो मस्त तरीके से देखिए पूरे पॉली हाउस ना, और 200 वर्ग मीटर में इन्होंने बड़ा पॉली हाउस, 2 पॉली हाउस है इनकी। देखिए यहाँ पूरा जो है टमाटर की खेती इन्होंने कर रखी है। बहुत ही गजब का काम कर रखा है। ऐसे काश्तकार है पहाड़ में। देखो, इंजीनियरिंग से रिटायरमेंट है ये कुमाऊं मंडल विकास निगम से, उसके बावजूद इन्हें खेती बाड़ी को प्राथमिकता दी, क्योंकि ज़मीन भी इनके पास प्रचुर मात्रा में थी। तो उसको आगे बढ़ाने खेती को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो कि हमारी पहाड़ की नौजवानों को मौका मिलता है। ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है पहाड़ के नौजवानों को, जो इधर उधर सब्जी का बहुत बड़ा इन्होंने कारोबार इनके पास है। यहाँ पर जो है करेला भी है, यहाँ पर नाना प्रकार की सब्जियां हैं और गडरी से लेकर सब्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती हैं। गडरी होती है इनका, पिनालू होता है इनके पास, हरी सब्जी, मूली से लेकर तमाम सब्जियां ये बेचने का काम करती हैं। और इनकी मैडम भी लगी हुई भी घास काटने में, ये बाहर पौधे उसके पीछे देख सकते हैं। अम्मा करिए भूत जैसे हुए हैं बिल्ली और हमारे फोटो खींचे हुए रहे हैं। घास काटते हैं, देखो ऐसे काटते हैं। हमारे वृद्ध महिलाएं भी इतनी मेहनत करती है ना, घास वास खेती और गाय भैंसों को देखना पूरा जिम्मेदारी होती है। लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये चल रहा है इनके पॉली हाउस के ठीक पीछे घास काट रहे हैं। ये है जैविक खाद दोस्तों। देखा कि इस खाद को खुद खुद के ना ये ले जा रहे हैं खेतों में हमारी महिलाएं। ये देखो ये टल है, उसे खुद खुद के ये खेतों में डाला जाता है, इससे उपज बढ़ती है। बहुत जैविक खाद है। और ये देखिए गाय तो मुझे गाय के बछड़े हैं, 3 यहाँ पर हैं, 5 गाय हैं। ये बड़े बड़े सेंटेक्स रखे हैं पानी पिलाने के लिए। ला 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 ये है गौशाला और इसमें गाय बजी हुई है पूरी। 5-25 लीटर दूध बेचते हैं पर डे बता रहे। कुछ गाय इसमें ब्याने वाली भी हैं और ये इनका कहना है भैया जी का। और ये देखो केले के पेड़ भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। ये है और चलिए आजा 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 है। अगर दिन रहते ये है मत्स्य तालाब। और ये देखिए ये 1, 2, 3 तालाब हैं, बहुत बड़े तालाब कि इसमें बहुत मच्छियाँ। कदू एक साल में कदू कुंटल निकाल सा लगभग पिछले साल 10 कुंटल इन्होंने यहाँ से मछली बेची थी। और इस साल ज़्यादा होगा, इस साल कितना है यहाँ, इस साल बता रहे हैं कि 14 कुंटल के आसपास। ये देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, 300 रुपये किलो ना। 3 तालाब हैं बड़े बड़े, 300 रुपये किलो बेचते हैं। तो अभी अगर होगा, अभी नहीं होगा कह रहे हैं। आने का है उनका, अब ट्रेन का है फोन तो दिया हूँ, ट्रेन होगा। अच्छा के वो अभी वेल्डिंग के लिए जाएगा। अच्छा फिर वो टाइम लगेगा। 4,20,000 के आसपास का आपका अनुमान है कि अभी नहीं होगा ना, अभी ना कोई नहीं, वैसे ही सॉल्ट ले लेंगे इसकी। हाँ। निकालते हुए कोई बात नहीं। हाँ। वैसे ही जरा चचा बता देंगे नीचे को, जैसे हमने घुमाया ना उधर। हाँ। वैसे आप एक राउंड ऐसे आ जाओगे। ये है दोस्तों मत्स्य पालन का जो इन्होंने किया, जबरदस्त देख सकते हैं मछलियाँ ना, बहुत गजब की मछलियाँ हैं इस तालाब में। एक ये है, एक वो है, एक है। पिछली बार 10 कुंटल का बता रहे, इस बार 14 कुंटल के आसपास इसमें मछलियाँ जो ये बेचेंगे 300 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये इनकी साल की इनकम है मछलियों से। उसके बाद गाय का है इनका, गाय पालन का। गाय से 25-30 लीटर दूध पर डे का इनका अपना है। और मुर्गी पालन है। यहाँ पर इनका घर है और ये गौशाला है यहाँ पर। हाँ चलिए चलिए चलो इस तरह बैठो हैं, चलिए चलिए सर। तो चलते हैं नीचे मछली तालाब में, मत्स्य तालाब, और पूछेंगे कि मछलियों के बारे में। मत्स्य तालाब में हम लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भरड़ा जी जो है ना मछलियों को चारा देते हुए चारा डाल रहे हैं तालाब में, क्योंकि जिससे कि वो मछलियाँ हमको दिखे, हम उनको अपने कैमरे में कैद कर सकूँ, इसलिए हम लोग साथी हैं। और वो चारा डाल रहे हैं, देख सकते हैं बाहर से। और 14 कुंटल के आसपास इस साल इनका मछली बेचने का विचार है। 14 कुंटल के आसपास निकल जाएगा ऐसा इनका मानना है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों।